हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ। आज का वीडियो में हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो फॉइल पेपर है हमारे पास, तो हम फॉइल पेपर को इस तरह रख लिए हैं करके, और हमारे पास यहाँ पे देखो कास्टिक सोडा है। जी हाँ, हम इसमें डब्बे में रखे हैं कास्टिक सोडा है। तो कास्टिक सोडा और फॉइल पेपर से हम जो है गैस वेल्डिंग बनाने वाले हैं। हालांकि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें क्या है, मैंने कार्बेट से गैस वेल्डिंग बना के दिखाया कि कार्बेट से किस तरह से हम गैस वेल्डिंग बना सकते हैं। इस ये जो देख रहे हो ना सिरिंच वगैरह या निडल, जैसे कि पानी जब चढ़ाता है कोई इंसान को, पानी देता है, तो उसमें ये जो यूज होता है पाइप वाला, तो इससे हम यूज किए थे उसमें पिछला वीडियो में, हमने जो कार्बेट है उससे गैस वेल्डिंग बना के दिखाया था। आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं फॉइल पेपर और कास्टिक सोडा से, हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये बनता है सक्सेस, होता है या नहीं होता है, होता है तो कैसा होता है, चलिए हम इसको करके फटाफट देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक बोतल ले लेंगे। इस बोतल में देखो ढक्कन पे होल है, मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था ढक्कन में होल है ताकि मैं ये पार्ट जो है इसके अंदर इस तरह से डाल सकूँ। चलो हम इस फटाफट क्या काम करते हैं, पहले इसके अंदर कास्टिक सोडा डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस ढक्कन में बोतल में कास्टिक सोडा है, हम कोशिश करते हैं जैसे कि यहाँ पे देखो डायरेक्टली इसमें से नहीं जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लेते हैं इसमें। तो इस तरह से हम कास्टिक सोडा ले रहे हैं और ये देखो इस तरह से वाइट वाला, तो हम इसको हम कोशिश करेंगे इसमें डालने का। तो थोड़ा थोड़ा सा जितना डाल सके उतना अच्छा रहेगा, ज़्यादा नहीं लेना है हमें, थोड़ा सा लेना है, जितना मैंने इसमें ढक्कन में लिया उतना काफ़ी है। तो उसको देखो ये बहुत हद तक जा चुका है इसमें, तो हमने बहुत सारा डाल दिया इसमें कास्टिक सोडा। अब जो फॉइल पेपर देख रहे हो हमने इस तरह से बना के रखा है, तो इसमें हमने फॉइल पेपर डाल लेना है इस तरह से। देखो फॉइल पेपर हम फटाफट डाल लिए और थोड़ा फॉइल पेपर हम ले लेंगे इस तरह से, ये फॉइल पेपर इस तरह से लेना है और फटाफट इसमें हमें डाल लेना है। तो यहाँ हमने ये कंप्लीट कर लिया, देखो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट है। अब जो हम इसमें थोड़ा सा पानी देंगे, तो यहाँ पे देख लो यहाँ हम इस तरह से इतना पानी है, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो अभी ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है। हम इसका ढक्कन लगा देते हैं, इसका ये जो है ढक्कन इस तरह टाइट कर दिया, देखो ये गर्म होना बहुत स्टार्ट हो गया, बहुत गर्म हो चुका है। तो हम क्या करते हैं इसमें ये वाला पार्ट अंदर डाल देते हैं ताकि गैस जो है इसमें स्टोर रहे, और ये वाला पार्ट जो है इसको हमें बंद कर देना है ताकि गैस बाहर ना निकले। तो इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं, और यहाँ पे करने के बाद इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा टाइट कर देते हैं ताकि गैस इसी के अंदर रहे बाहर ना निकले। थोड़ा वेट करते हैं, गैस बने देते हैं, गैस बनता है उसके बाद हम ये आगे देखेंगे गैस वेल्डिंग काम करता है या नहीं करता है। तो ये देख पाओगे, ये देखो ये रेड सा दिख रहा है पूरा लाल सा, गैस वेल्डिंग जैसा देखो। हालांकि वो जैसे हमने पिछली बार देखा था कार्बेट वाला वैसा नहीं जल रहा है, लेकिन ये अच्छा खासा रोशनी दे रहा है, देख पाओगे आप ये देखो। तो हम देख पाएंगे इस तरह से हम गैस वेल्डिंग बना सकते हैं। ये अलग अलग चीज़ों से हमने गैस वेल्डिंग बना के दिखाया, इससे पहले कार्बेट से, इस बार दिखाया फॉइल पेपर और कास्टिक।